नमस्कार साथियों, आज की हमारी वीडियो संविदा शिक्षक साथियों के लिए है। संविदा शिक्षक कैडर खत्म, अब शिक्षक नियुक्त कराने की तैयारी, चुनावी साल में भी सरकार नहीं करा पाएगी संविदा शिक्षक भर्ती। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को संविदा शिक्षक बनने के लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन किए जाने की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार ने अब सीधे शिक्षक पद भर्ती कराने का मन बना लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, हम आपको इसी के विषय में आज बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी संविदा शिक्षक साथियों को इस वीडियो की जानकारी मिल सके। और आपका दोस्त एडी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। प्लीज सब्सक्राइब करें आपका दोस्त चैनल को और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी। सरकार ने अब सीधे शिक्षक पद भर्ती कराने का मन बना लिया है, इसलिए संविदा शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारियां रोक दी हैं। 31,656 पदों के लिए है परीक्षा, अप्रैल से जुलाई के बीच होनी थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में 70,000 शिक्षकों की कमी है। खाली पदों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती की कवायद वर्ष 2013 से चल रही है। चुनावी साल होने के कारण सरकार ने एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया में रुचि दिखाई थी, लेकिन चयन परीक्षा में ठीक पहले अध्यापकों के संविलियन का मुद्दा आ गया। सूत्र बताते हैं कि इसे आधार बनाकर सरकार ने चयन परीक्षा फिलहाल रोक दी। ज्ञात हो कि वर्ष 2011 के बाद प्रदेश में संविदा शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, संवर्ग तय करने में होगी देरी। अभी अध्यापकों के संविलियन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, वहीं शिक्षक और अध्यापकों के बीच वरिष्ठता को लेकर तकरार की स्थिति बन रही है, जिसे देखते हुए सरकार अध्यापकों के लिए नया संवर्ग बनाने की तैयारी में है। संवर्ग बनाने और संविलियन में ही 2 से 3 माह लग जाएंगे, तब तक विधानसभा चुनाव आ जाएंगे और पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद नए संवर्ग के हिसाब से भर्ती नियम बनेंगे और फिर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी इस साल भर्ती की उम्मीद नहीं है। 6 साल में भर्ती नहीं, राज्य सरकार पिछले 6 साल में शिक्षकों की भर्ती नहीं करा पाई है। चुनावी फायदा उठाने के लिए सरकार ने वर्ष 2013 में भर्ती कराने की घोषणा की थी। इसके बाद भर्ती नियम बनाने और उनमें लगातार संशोधन करने में 5 साल निकाल दिए। अब दूसरे विधानसभा चुनाव आए तो सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर फिर से गंभीर हो गई। सरकार को चुनाव में इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। अब जबकि भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, तब भी सरकार के पास वोटरों को बताने के लिए है कि हम संविदा नहीं शिक्षकों के नियमित पदों पर भर्ती करेंगे। हालांकि ऐसा कहकर फिर अगले चुनाव तक मामला खींचा जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी संविदा शिक्षक अध्यापक शिक्षक सभी साथियों को इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।